हु विल क्राई वेन यू डाई, जिसका ऑथर है रॉबिन शर्मा। ऑथर हमें बताते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ न कुछ मकसद लेके ही पैदा होते हैं। ऑथर जब बड़े हो रहे थे, उनके पिता ने कुछ ऐसा कहा कि ऑथर के होश उड़ गए। उनके पिता बोलते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रो रहे थे, जब हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, बड़ा होकर ऐसा काम करके जाओ सब लोग रोए और तुम खुशी खुशी से चले जाओ। आजकल हम स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं कि ज़िंदगी को कैसा जीना है वो हम भूल गए हैं। इस बुक में ऑथर हमें कुछ प्रिंसिपल बताते हैं, इस प्रिंसिपल को अपनाने के बाद आपकी लाइफ थोड़ी बेटर ज़रूर बनेगी। ऑथर बोलते हैं, हम इस दुनिया में कुछ न कुछ लेगेसी कर दिखाने के लिए ही आए हैं। एक ऐसा काम करके जाओ दुनिया आपके काम को वाह वाह तारीफ करे। जब आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं करते हो तो आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपके हैबिट्स ही डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, इसलिए डेली रूटीन को फॉलो करो। जब आप कंसिस्टेंसी से एक काम को फॉलो करते हैं तो उस काम को जल्दी ही कंप्लीट कर लेते हो। एक बार बर्नार्ड शॉ को एक सवाल पूछा गया, आपको और एक बार ज़िंदगी जीने के लिए मौका मिले तो आप क्या करोगे? तब उन्होंने कहा कि मैं असल में वो काम करना चाहूँगा मुझे करने में इंटरेस्ट था। बर्नार्ड शॉ अपने डेथ बेड पर रिग्रेट करते हुए ये जवाब दिया, इसलिए आप इनकी तरह रिग्रेट मत कीजिए, जो आपको काम से खुशी मिलती है वो काम आप करते जाओ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करूँगा, अपने सीट बेल्ट बांधो, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल है मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। चलो मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक हॉस्पिटल में दो पेशेंट बीमार थे, दोनों को एक ही रूम में अलॉट किया गया था। एक पेशेंट को विंडो साइड बेड अलॉट किया था और दूसरे पेशेंट को विंडो साइड नहीं था। पहला पेशेंट उस दूसरे पेशेंट को नई नई कहानी सुनाया करता था, इस खिड़की के बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और कई तरह तरह के अच्छे फूल खिले हैं और एक तालाब भी है। ये सब सुनकर दूसरे वाले पेशेंट को जलन होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक पहले वाले पेशेंट की डेथ हो गई। ये देखकर दूसरे वाले पेशेंट को दुख हुआ। अब विंडो साइड वाला बेड खाली था। दूसरा पेशेंट नर्स को बता के वो अपना बेड विंडो साइड शिफ्ट कर लेता है। जब वो बाहर देखता है तब उसे सिर्फ एक दीवार दिखाई देता है जो विंडो के बाहर बंधा हुआ रहता है। ये देखकर दूसरा पेशेंट को अजीब सा लगा। तभी वो नर्स से पूछता है, मेरा फ्रेंड मुझे रोज़ नई नई कहानी सुनाया करता था, खिड़की के बाहर ये हो रहा है वो हो रहा है बोलकर मुझे कहानी सुनाया करता था। तभी नर्स ने कहा, खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं है सिवाय एक दीवार, तुम्हारा दोस्त तुम्हें झूठी झूठी कहानी सुनाया करता था ताकि तुम खुश रहो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम खुद पर्सपेक्टिव को क्रिएट करना चाहिए। स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, बैठे बैठे ही उन्होंने कहा, इस यूनिवर्स में ना जाने कितने मिलियन गैलेक्सीज है, किसी को पता भी नहीं है। ये है वो उनका पर्सपेक्टिव। ऑथर बोलते हैं, हम इस दुनिया में थोड़े समय के लिए आए हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया आपको जाने के बाद भी याद करे। सेकेंड प्रिंसिपल है ऑनर योर पास्ट। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट ड्वेल इन द फ्यूचर, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस को लेकर जी रहे होते हो। इसलिए ऑथर बोलते हैं, हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। प्रेजेंट एक गिफ्ट की तरह होता है। जब आप प्रेजेंट में अच्छा काम करते हो तो फ्यूचर अच्छा ही बनेगा। इसलिए जो पास्ट में गलतियाँ किए हो उसे लेसन समझकर मूव ऑन करना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है। आप बीते हुए दिन को भूलकर कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव इंसान को हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी समझकर सडन एक्शन लेकर कुछ करके दिखाता है। यही तो खासियत है अच्छे इंसान की। जब आपका माइंड ही पूरा ओल्ड मेमोरी से भरा है तो मैं कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन दिए तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि आपका माइंड फुल हो चुका है। इसलिए ओल्ड मेमोरीज को एम्प्टी करके प्रेजेंट मेमोरीज को ऑब्जर्व करो। ऑथर बोलते हैं, फेलियर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जितना आप फेल होंगे उतना आप सक्सेस के करीब पहुंचोगे। थर्ड प्रिंसिपल है गेट अप अर्ली। जो भी आज सक्सेसफुल इंसान है, चाहे जो भी हो, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, वो लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं। एक बार सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया गया। सब लोगों का आंसर सिमिलर ही थे, वो सुबह जल्दी उठते थे। सुबह जल्दी उठने से आपका माइंड एक क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी मोड में आ जाता है। रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक 5 AM क्लब में वही बताया गया है। मैंने पहले ही इसका वीडियो बनाया है, आप चाहे उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑथर हमें कुछ टेक्निक्स के बारे में बताते हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठ सके। पहला है, आप जो कोई भी काम किए हो तो रात को बेड पे सोते हुए आपको रिहर्स नहीं करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये सब हमें सोते वक्त याद नहीं करना चाहिए। दूसरा है, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। जब आप लेट से खाना खाते हो तो सुबह उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और अच्छी नींद भी नहीं होता है। तीसरा है, डोंट वॉच द न्यूज़ बिफोर यू गो टू स्लीप। ऑथर बोलते हैं, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो हमें न्यूज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ माइंड को इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए सोने से पहले न्यूज़ देखना अवॉइड कीजिए। चौथा है, डोंट रीड इन द बेड। जब आप बेड पे पढ़ते हो तो नींद जल्दी आती है, इसलिए बेड पे पढ़ना अवॉइड कीजिए। ये सब आप 21 दिन करते हो तो आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। फोर्थ प्रिंसिपल है, टेक मोर रिस्क। ऑथर बोलते हैं, जब हम रिस्क ही नहीं लिए तो इस ज़िंदगी को जीने का क्या फ़ायदा। कहानी के जरिए समझते हैं, एक कुएं में एक मेंढक रहता था। वो मेंढक सोचता था कि ये कुआ ही मेरा दुनिया है, लेकिन उस मेंढक को पता नहीं है कुएं के बाहर भी एक अलग दुनिया है। इसलिए कंफर्ट जोन से हटकर रिस्क लेना चाहिए। आज जो कोई भी सक्सेसफुल बना है, रिस्क लेकर ही बड़ा इंसान बना है। रिस्क और चैलेंजिंग प्रॉब्लम ही इंसान को स्ट्रांग बनाता है। ऑथर बोलते हैं, हमें अभी ही रिस्क लेना चाहिए, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम रिग्रेट ना करें। लाइफ एक गेम की तरह होता है, जितना आप स्टेजेस को पास करते हो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। आपने तो एक कोट सुना ही होगा, द मोर रिस्क यू टेक द मोर रिवार्ड्स यू विल रिसीव। इसलिए रिस्क लेना अच्छी बात है। फिफ्थ प्रिंसिपल है, लिस्ट यूर प्रॉब्लम्स। ऑथर बोलते हैं, जो कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है एक पेपर पे लिखिए, इससे आपका हाफ प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो और इमीडिएट एक्शन लो। मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप पहले टफेस्ट प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करो। जब आप टफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, बाकी के प्रॉब्लम्स भी ईजी लगने लगते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स को बेस्ट फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इससे आपका मन हल्का होगा और आप थोड़ा फील फ्री करेंगे। ऑथर बोलते हैं, आपका माइंड एक बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और वर्स्ट एनिमी भी। ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हो। सपोज आप उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव में लिया तो आपका काम आसान होगा, या आप उस प्रॉब्लम को नेगेटिव में लिया तो वो प्रॉब्लम टफ लगने लगता है। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग अपने प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे लिखते हैं और उसके ऊपर सडन एक्शन लेते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, कनेक्ट विथ नेचर। ऑथर चाहे कितने भी बिजी हो, वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, शाम को बाहर टहलने चले जाते हैं। ऑथर का ये मानना है कि हमें थोड़ा वक्त अकेले में बिताना चाहिए, इससे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बढ़ेगा। नेचर में ही सब सोल्यूशन है। मैं भी कभी न कभी बाहर अकेले अकेले टहलने चले जाता हूँ, इससे मुझे एक तरह का अच्छा फील होता है। आप भी ट्राई करके देखो, एक साइलेंट जगह जाकर थोड़ा वक्त वहीं पर गुजारो और ऑब्जर्व करो अपने सराउंडिंग पर। छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करो, घास पे बिना शूज़ के चलो और देखो आप फील कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको खुशियाँ देती है। सेवंथ प्रिंसिपल है, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। एक स्टोरी के जरिए समझते हैं, राम और श्याम दोनों बहुत मोटे थे। राम हर वक्त कंप्लेन करता रहता था, मेरे पास टाइम ही नहीं है, और दूसरी तरफ शाम सुबह एक घंटा पहले उठकर एक्सरसाइज करता था। शाम कभी भी इसके बारे में कंप्लेंट नहीं किया। शाम इसको चैलेंज समझकर हार्डवर्क किया। थोड़े दिनों बाद शाम लीन हो गया और राम मोटा का मोटा ही रह गया। इससे ये सीख मिलती है कि लाइफ में कंप्लेंट करना छोड़ दो और ज़िंदगी को खुल के जियो। ऑथर बोलते हैं, हमें प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए और एक्सक्यूजेस देना बंद करना चाहिए। एट्थ प्रिंसिपल है, लव योर वर्क। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप काम करते हो उस काम को आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ ऑब्जर्व किया, सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन था, वो अपने वर्क को दिल से करते थे, वो अपने काम को पैशन से करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बार फेल हो गए, फिर भी वो काम करना नहीं छोड़े। एडिसन ये समझ के गिव अप करते तो मेरे से नहीं होगा आज बल्ब का इन्वेंशन नहीं होता। वो अपने काम को डिसिप्लिन और पैशन से फॉलो करते थे। इसलिए आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए, रिजल्ट देर से आएगा बट ज़रूर आएगा। ये थी कुछ प्रिंसिपल्स, हु विल क्राई वेन यू डाई, जिसका ऑथर है रॉबिन शर्मा। ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ लोग तुम्हारी वाह वाह करें। ये थी बुक समरी ऑफ हु विल क्राई वेन यू डाई। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।